हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल पल्लवी व्लॉग्स। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो गाइस, आज तीज है और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी तीज। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरे आने वाले वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरा सबसे पहले वीडियो देख पाएंगे। चलिए देखते हैं कि पूजा की तैयारी कैसी चल रही है मेरे घर में, और आप सभी को भी मैं दिखाती हूँ कि पूजा की क्या क्या तैयारी चल रही है। ये चाकोली का आटा मैं तैयार कर रही हूँ पकवान के लिए जो चढ़ेगा, और ये मेरा चाकोली रेडी हो चुका है। गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि पूजा की तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है और अभी सब रेडी हो रहे हैं, उसके बाद फिर पूजा करेंगे। और ये मेरे शंकर जी हैं और ये मम्मा के शंकर जी हैं, और ये सब पूरा पापा सजाए हैं। गाइज, मैं भी व्रत रहती हूँ तो मैं भी पूजा कर रही हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्रह्मांड, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह पास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्री सब पापों से मुक्त हो जाती है। देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? पदार्थ खाने से मक्खी होती है, तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोग, दूध पीने से सांपनी, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां इस व्रत को अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण चांदी तांबा अथवा बांस के पात्र में मेरे समान पति पाती है, और जब उसका अंत समय आता है तो तुम्हारे सामने उसका रूप हो, तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। यह हरितालिका व्रत कथा सुन लेने मात्र से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का संकल्प प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बताया है, जिसके कारण से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ संशय नहीं। बोले शंकर भोले बाबा की जय, माँ पार्वती की, गणेश भगवान की जय, नंदी महाराज की जय, कार्तिकेश्वर भगवान की जय। Oh.
गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं आई हूँ यहाँ शंकर घाट में, अपना जो कल पूजा किए थे ना वो उसका विसर्जन करने आई हूँ। जा रहे हैं हम भी विसर्जन करने, आप लोग भी चलिए। सो गाइस, विसर्जन हो चुका है, अब हम लोग घर जा रहे हैं। सो मैं यहीं पे इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये तीज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। सो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। बाय गाइस, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।